ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, अपने लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्म योग, कि अपने आप को जिताने से कहीं बेहतर है सच्चाई को जिताना। अगर तुमने पहला वाक्य जान के बोला होता तो दूसरा प्रश्न शेष ही नहीं रह जाता। तुमने कहा भगवान सच्चे हैं, पर ना तो तुम्हें भगवान का कुछ पता है ना सत्य का कुछ पता है। भगवान सच्चे हैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है। इसमें तुम्हारी अपनी देशना, अपना जानना इसमें जरा भी नहीं है। कुछ है क्या इसमें? तुम्हारे लिए भगवान बस एक नाम है। और अगर तुम अलग अलग धर्मों को मानने वाले यहाँ बैठे हुए हो तो उस नाम के साथ छवियां भी अलग अलग जुड़ी हुई हैं, नाम भी अलग अलग हो जाएंगे। इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारे घर में कौन से देवी देवता पूजे जाते हैं, देश के किस हिस्से से आ रहे हो, किस जात के हो, किस संप्रदाय के हो। भगवान को तुमने इसके अलावा तो कुछ जाना नहीं है। भगवान महत्वहीन है, जानना महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न है भगवान के बारे में, इस प्रश्न को हमें थोड़ा सा विस्तृत करना पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे हमने भगवान को कुछ नहीं जाना, पर बचपन से ही चूंकि सुनते आ रहे हैं कि भगवान है और सत्य है तो हमने कुछ मान रखा है, इसी तरीके से जीवन में हमने सब कुछ बस मान ही रखा है। हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि करियर शब्द का क्या अर्थ होता है, हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि जीवन जीने का क्या अर्थ है, शादी का क्या अर्थ है, प्रेम का क्या अर्थ है, आनंद क्या है, इन सबको हम बिल्कुल भी नहीं जानते, पर हमने कुछ सुन रखा है इनके बारे में जिसे हमने मान लिया है। भगवान भी इसी तरह के शब्दों में एक है। स्वतंत्रता क्या है हम नहीं जानते, सत्य क्या है हम नहीं जानते, शिक्षा क्या है हम ये भी नहीं जानते, मैं कौन हूं ये तो बिल्कुल ही नहीं जानते। पर इन सब बातों के बारे में हमने कुछ कुछ सुन रखा है और उसको मान भर लिया है। तो इस प्रश्न को अलग से लेके नहीं देखा जा सकता कि भगवान क्या है और सत्य क्या है। जीवन में जब बाकी सब कुछ तुम अपनी समझ से जानोगे तब ये भी तुरंत ही जान जाओगे कि इस भगवान नाम की चीज का क्या सत्य है। अभी तो तुम कुछ भी नहीं जानते ना, अभी तो तुम बस एक सुना सुनाया जीवन बिता रहे हो। तुमने सुन लिया है कि पढ़ाई करनी चाहिए, अभी तक तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल एक बंदी बंधाई रवायत के अनुसार हुआ है। 10वीं तक पढ़े, सब पढ़ते हैं, फिर प्लस टू कर लिया, सब करते हैं, उसके बाद आजकल चलन है इंजीनियरिंग का तो वो भी कर रहे हो, आगे भी जो कुछ होना है वो भी एक पटकथा लिखी ही जा चुकी है, उसके अनुरूप ही होगा सब। यहाँ से निकलोगे फिर या तो MS कर लोगे, नहीं तो MBA कर लोगे, गेट वेट दोगे, नहीं तो घर चले जाओगे, माँ बाप के काम धंधे में हाथ बटाओगे, या तो कोर ब्रांच में जाओगे, नहीं तो सॉफ्टवेयर में चले जाओगे, फिर शादी कर लोगे, फिर बच्चे पैदा करोगे, फिर जिंदगी खराब करोगे, फिर एक दिन मर जाओगे। ये सब जो है इसमें तुम्हारी समझ कहाँ पर है ये बता दो, इसमें तुम्हारी समझ कहाँ है ये बता दो। ये सब एक सुने सुनाए तरीके से, एक बंधे बंधाए तरीके से जीवन चल रहा है। अब इस पूरे जीवन में, इस पूरी बंधी बंधाई पटकथा में, स्क्रिप्ट में एक कैरेक्टर आर्टिस्ट का नाम भगवान भी है। वो बीच बीच में कभी कभार आ जाता है। कब आ जाता है? होली पे आ जाता है, दिवाली पे आ जाता है, बर्थडे वाले दिन आ जाता है, एग्जाम वाले दिन आ जाता है। तो बीच बीच में वो जैसे कहानी चल रही है और बीच बीच में आता हो 2 मिनट के लिए, 2-4 डायलॉग मार के गायब हो जाते हैं, ऐसे चरित्र होते हैं। तो तुम्हारी इस पूरी कहानी में इस तरीके के चरित्र का नाम है भगवान, और तुम किस जात वात को बिलोंग करते हो उस हिसाब से उसका एक सरनेम भी है, भगवान सिंह, नहीं तो भगवान शर्मा, नहीं तो भगवान गुप्ता, भगवान पटेल, जो देना चाहो, अपने अपने भगवान है मस्जिद के। और अगर तुम लड़की हो तो फिर भगवती, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भगवान तो तुम्हारी अपनी कल्पना है, जिसको तुम जब चाहते हो घुसेड़ लेते हो, आ अभी तेरी जरूरत है, और जब नहीं जरूरत है तो फिर चलो गेट उधर है।
अपने कमरे में रहा करो चुपचाप, जन्माष्टमी की खीर चटा देते हैं कम है। तुमने कुछ जाना है, समझा है बात का मन, समझ रहे हो? इसको चुटकुले की तरह मत ले लेना कि आए बड़ा मजा दिलाया, थोड़ी बोरियत बोरियत कम हुई। बात का अर्थ समझ रहे हो? जीवन में क्या कुछ भी है जो अपनी समझ से आ रहा है? तुम भी नकली, तुम्हारा भगवान भी नकली। जो असली है उसको तुम जान नहीं रहे, तो ऐसी जिंदगी का फायदा क्या?